एस एस पी मातरम मनीर साहब कुपवाड़ा से हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सदर थे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के, लेकिन छोड़ के इस्तीफा दे के हमारा जलजला आया। तो शायद अपनी जिंदगी में मैं जितनी दफा टंगदार और उड़ी आया हूं उतना हिंदुस्तान या स्टेट के किसी हिस्से में मैं नहीं गया। मुझे जहां अपने 50 साल बहुत छोटी उम्र में, मैंने 20-22 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म करने के बाद सियासत में हिस्सा लिया और हिंदुस्तान के उन चंद खुश नसीब लोगों में हूं जिनको 32 साल की उम्र में इंदिरा गांधी की काबीना में काम करने का मौका मिला। तो इतने वर्षों में मुझे दिल्ली तसल्ली है, ये बहुत ही मुतासिर हुए, यहां कोई बिल्डिंग खड़ी नजर नहीं आती, कोई स्कूल नाम की चीज नजर खड़ी नहीं आती और उड़ी में तो कोई मकान नाम की चीज ही नहीं, यहां तो कुछ मकान थे। तो ऐसे में और अक्टूबर नवंबर का महीना और एक महीने के बाद ही मैं चीफ मिनिस्टर बना, तो मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज कि ये सर्दी में कहां जाए। अक्टूबर के महीने में तो हमने टेंट लाए पूरे हिंदुस्तान से, हमने कंबल लाए, कपड़े लाए, पूरे हिंदुस्तान से राशन लाया, लेकिन दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने से ठंड शुरू होती है और जनवरी और फरवरी का महीना यहां छत के बगैर हमारे ओढ़ी और टंगदार के लोग कैसे रहेंगे। इसलिए मैंने एक स्कीम बनाई कि जो भी एक महीने में एक कमरा बनाएगा, कमरा बनाने के लिए हमने और मजीद शायद 10 या 15 हजार रुपए मजीद उसके इनाम दिए जाएं। और मुझे खुशी है आपकी मेहनत और हमारा पैसा और मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक महीने में अपना एक एक कमरा सबको अपना सर छुपाने के लिए बना, और जबकि पार में जो पीओके है वो 3-3 साल लाए। मैं मशकूर हूं हमारे बाबा जो हमारे सरदारों के चीफ साहब बोले कि जिन लोगों को जिन्होंने कुछ नहीं किया, कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो मैंने लिया, इतना बड़ा हॉस्पिटल हिंदुस्तान में जिला लेवल पे भी अगर कहीं दिया है तो मैंने ही दिया। अब वो कल कहेंगे कि वो गुलाम नबी आजाद नहीं था, वो वही था जो उन्होंने तकरीर की। तो इसलिए